कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा ऐलान, दशहरा रैली शिवाजी पार्क में ही करेंगे, चाहे मंजूरी मिले या ना मिले। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा 2021 तक छात्र कर रहे थे यूनिफॉर्म का पालन, लेकिन पीएफआई ने भड़काया। शिमोगा में इस्लामिक स्टेट के संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, पुलिस ने किया साजिश का खुलासा। आईएएस में बहाली के बाद शाह फैसले में धारा 370 को निरस्त करने वाली याचिका वापस ली, सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती। ऋषभ पंत को टी20 वर्ल्ड कप 2022 की टीम से बाहर करना फायदेमंद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर गोंडा से, जहां घाघरा नदी में बाढ़ के कारण हजारों लोग घरों से बेघर हो गए हैं, वहीं आलाधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए, साथ ही सभी स्कूल शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित हर संभव मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। आज तरबगंज के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र हमारे बाढ़ प्रभावित हो गए थे, तो तरबगंज में 19 ग्राम पंचायतें बताई जा रही हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, और लगभग हमारी जो आबादी हुई है वो 13,000 के करीब आबादी बाढ़ प्रभावित हुई है। तो उनको जो शासन से अनुमान्य है, राशन किट और डिग्निटी किट, ये सभी मुहैया कराई जा रही है। इन लोगों को निगरानी करने के लिए हमारी तहसील की टीम और सभी जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा और इसके अतिरिक्त अन्य विभाग, सभी लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां वेतन न मिलने से नाराज टीचरों ने IDOS कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं टीचरों ने बताया कि TGT और PGT के चयनित शिक्षकों को पिछले 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने टीचरों को बुला उनसे बात कर समस्या को सुलझाने की कोशिश की। हम लोग अक्टूबर में, हम लोग का पैनल यहाँ आया था 2021 में, लेकिन हम लोग की ज्वाइनिंग इतने दबाव के बाद यहाँ कार्यालय में ज्वाइन कराया गया 7 अप्रैल 2022 को, और 7 अप्रैल 2022 से हम लोग लगातार शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, और अब 6 महीने हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा हम लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया, कई बार प्रार्थनाएं भी की कि सर हम लोग को वेतन दीजिए, हम लोग का काम नहीं हो पा रहा, परिवार का हम लोग का भरण पोषण नहीं हो पा रहा, हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो जिला विद्यालय निरीक्षक सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं, बाकी कोई अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं की। BSA कार्यालय में वो जिला विद्यालय निरीक्षक से उनका मैटर था, वो 2016 और 2021 के चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनको कार्यालय में ज्वाइन कराया गया था, उनको अपने अपने विद्यालयों में भेजा गया है, उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही की गई है, उनको बुलाकर उनसे वार्ता कर ली गई, उनकी समस्या हल कर दी गई है। खबर यूपी के सीतापुर से, जहां उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने सिंधौली सामुदायिक स्वास्थ्य का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिसिन कक्ष, OPD कक्ष का निरीक्षण किया और CSC अधीक्षक से वहां उपलब्ध सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली और वहाँ मौजूद लोगों से वहाँ मिल रही सेवाओं के बारे में भी पूछताछ की। मैं डॉक्टर प्रियरंजन आशु, मैं सर्जन हूँ और इस समय उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ और जुवेनाइल से संबंधित संस्था को देख रहे हैं। ये मेरा औचक निरीक्षण है। MYC साहब को या पूरे जनपद में किसी को ये सूचना नहीं है कि यह निरीक्षण के लिए है। योजना ये बनाई गई कि जहाँ पर यह औचक निरीक्षण करें
और जो तत्कालीन स्थितियां उसमें देखें। खबर गाजियाबाद से, जहां 2016 बैच के आईएएस नितिन गौर ने अपना नगर निगम में नगर आयुक्त पद ग्रहण कर मीडिया से रूबरू हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नगर में फैले कूड़े का निस्तारण, अवैध कब्जे धारियों, पुरानी पेंशन बहाली, जल निकासी जैसे मुख्य मुद्दों का जल्द से जल्द निस्तारण की बात कही है। साथ ही बताया कि जिले के डॉक्टर शहर के लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। गाज़ियाबाद नगर निगम ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रही कि शासन की योजनाओं को टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाए, ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल मैनर में सभी प्रोजेक्ट्स जो अपूर्ण हैं उनको गति दी जाए, और जहां पे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वहां पे बाकी विभागों से समन्वय कर वो काम टाइमली एग्जीक्यूट कराए जाएँ। इसके अलावा जो रनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको टैकल किया जाए, और क्षेत्र की जनता की जो जनता शिकायतें आती हैं, IGRS पे शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका टाइमली डिस्पोजल एक क्वालिटेटिव मैनर में किया जाए। बुलंदशहर में दबंगों से तंग आकर एक महिला ने SSP दफ्तर पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने SSP को शिकायत पत्र में माध्यम से बताया कि आरोपियों ने उसके पति की नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए की ठगी की, और पैसे वापस मांगने पर दबंगों ने फर्जी मुकदमा करवा कर उसके पति को जेल भिजवा दिया और धमकी देते हुए, जिसके बाद एसएसपी ने पुलिस को मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरे पति से दिनेश शर्मा और सोएब खान ने रिश्वत में मेरी भांजी की नौकरी के लिए 2,75,000 रुपए लिए थे, और वो वापस न करने पे मेरे पति ने उनके खिलाफ मुकदमा भी किया। अब वो लोग घर पे आके धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, शराब पी पी के आते हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकी करते हैं, मेरे साथ में बदसलूकी करके मेरे साथ कहते हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, छोड़ूंगा तुझे, सबके सामने बलात्कार करूंगा। किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए थे? रेलवे में। कहाँ के हैं दिनेश और सोहिल खान? बुलंदशहर के। खबर देवरिया से, जहां PWD डाक बंगले पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कार्यकर्ता गणेश मिष्ठान बस स्टैंड से लड्डू लाकर बांटे, जिसके खाते ही कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब हो गई। साथ ही खाद्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है, और मिष्ठान संचालक पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ के दिल्ली गेट क्षेत्र में भारी बरसात के चलते निर्माणाधीन मकान का छत टूट गई है, जिसके चलते एक मजदूर दबकर घायल हो गया, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को बाहर निकाल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मजदूर की हालत गंभीर है, फिलहाल इलाज जारी है। सवेरे मकान करो, मैं छोरा बेंदारी पे कुले हो, मैं नहीं कर रही हूँ, था तो जो घरों ने कर रहा है वो, इतनी देर में क्या क्या इस मकान के लेंटर के सन्ना आप कर रहे ये कौन सी जगह की घटना है? मियां की सर, शौचालय वाली। अब तुम तो बेलदारी करने गए थे वहाँ पे? ले वाले घूम हल्ला में तो बेंदारी। अच्छा, फिर उसके नीचे तब हुए, कैसी हालत है इनकी? ये देख रही पर खबर सीतापुर से, जहां एक महिला को पड़ोसियों ने नशीला पदार्थ खिलाकर दूसरे व्यक्ति को 50,000 रुपए में बेचने का आरोप लगा है। वहीं महिला को खरीदने वाले व्यक्ति ने मुस्लिम समुदाय होने के चलते उसे रेउसा कस्बे लाकर छोड़ दिया। बता दें कि पीड़ित महिला पास के थाने पहुंच पड़ोसी दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस ने पड़ोसी दंपत्ति पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। हम गोरखपुर से जैसे स्टेशन पर हम बैठे थे, तो हम गलती से जैसे गाड़ी लखनऊ की पकड़ ली, मऊ आने वाले थे, मऊ की नहीं थी, अब यहाँ के रास्ता भटक गए, तो यहाँ दीपक मौर्या और उनकी औरत और दो लोग और गाड़ी से या चार चक्का से हमको बैठा के जबरदस्ती ले जाते, हमको बेच दिए 50,000 में। किसके हाथों बेच दिए? उसके यार रुपेश के। कहाँ का रहने वाला रुपेश? राय मरोड़।
खबर सीतापुर के सिधौली तहसील से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के सेवा पखवाड़े के अवसर पर मंडल सिधौली के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर व नालियों में जाकर साफ सफाई की। आपको बता दें कि इस स्वच्छ भारत मिशन के तहत भाजपा मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोंडा के जिलाधिकारी ने तहसील में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानकारी ली और राहत सामग्री का वितरण किया। वहीं निरीक्षण के बाद उप जिलाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। आज तरबगंज के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्र हमारे बाढ़ प्रभावित हो गए थे, तो तरबगंज में 19 ग्राम पंचायतें बताई जा रही हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, और लगभग हमारी जो आबादी हुई है वो 13,000 के करीब आबादी बाढ़ प्रभावित हुई है। तो उनको जो शासन से अनुमान्य है, राशन किट और डिग्निटी किट, ये सभी मुहैया कराई जा रही है। इन लोगों को निगरानी करने के लिए हमारी तहसील की टीम और सभी जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य होते हैं, चिकित्सा विभाग, पशु चिकित्सा और इसके अतिरिक्त अन्य विभाग, सभी लोग इसकी निगरानी कर रहे हैं। खबर औरैया से, जहां आगामी 25 तारीख को कानपुर देहात में विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नितिन गडकरी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि इस 15 अगस्त को पूरे साल अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लिया। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल की जयंती को पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही इमरजेंसी की घटना को याद करते हुए कहा कि पहले जनसंघ के लोगों ने विरोध किया, साथ ही मदरसा स्कूलों पर भी रही कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी मदरसा बिना पंजीकरण के नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस, बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बसपा उन्हें बाहर से सपोर्ट कर रही है। शिक्षा में हम लोगों ने अमूलचूल परिवर्तन किया, सुधार किया है, और वहीं जांच नहीं कराई जा रही है। तमाम विद्यालय जो हमारे विद्यालय हैं, कॉन्वेंट के विद्यालय हैं, उन विद्यालयों पर भी अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो उनकी भी जांच हो रही है। उसी क्रम में अगर नियमों का उल्लंघन यहाँ हो रहा है तो उसकी भी जाँच हो रही होगी। खबर यूपी के सीतापुर से, जहां किसान यूनियन के सिधौली जिला अधिकारी को कुछ मांगों के तहत ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सिधौली किसान यूनियन ने खुदाई कार में हुए गबन के मामले में पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान और तकनीकी सहायक के खिलाफ कार्रवाई और FIR की मांग की है। साथ ही ग्राम पंचायत नवागांव की गौशाला में मृत गांव वंशों के मामले की जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। एक गांव है बरेठी विकासखंड कसमंडा में, वहां के ग्राम प्रधान द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने FIR का आदेश दिया है, लेकिन वहां के वीडियो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उस पर प्राथमिकी अंकित होना चाहिए। दूसरा बिंदु ग्राम पंचायत नवागांव विकासखंड सिधौली गौशाला का है, जहाँ 5 गोवंश जो बीमार थे लापरवाही की वजह से उस जल समाधिस्थ हो गए। मैं उस मामले की जांच भी चाहता हूं और कार्रवाई भी चाहता हूं, क्योंकि लापरवाही पूरी तरह से बरती गई है। तीसरा बिंदु यह है कि ब्लॉक सिधौली मुख्यालय में और पूर्ति निरीक्षक कार्यालय सिधौली में अवैध रूप से निजी व्यक्तियों द्वारा सरकारी कार्य कराया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने SDM न्यायिक साहब को ज्ञापन दिया है। थैंक गॉड नाम की फिल्म के ट्रेलर का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार फिल्म का विरोध जारी है। इस क्रम में वाराणसी के जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय कांस्य महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष समेत कई लोगों ने एक्टर अजय देवगन का पुतला फूंका और विरोध प्रकट किया और बताया कि फिल्म के ट्रेलर में कायस्थ समाज के आराध्य देव श्री चित्रगुप्त जी के लेकर गलत फिल्मांकन किया गया है। वो तो बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको, क्योंकि हमारे ये जो भगवान चित्रगुप्त हैं, ये हमारे आराध्य देव हैं, जैसे भगवान शंकर का चित्र है, भगवान इनका हनुमान जी का है, इस रूप में ये हमारे आराध्य देव माने जाते हैं। अब कैसे सेंसर पास हो गया है, हम लोग पूरी तैयारी किए हैं कि हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे,
दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग 5 धाराओं से FIR पूरे देश में कर रहे हैं और लगातार FIR चालू है कि कम से कम ये हिंदू भावनाओं को जो भड़का रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, देवी देवताओं का अपमान है ये नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया में हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं कि आने वाले दिनों में इस पिक्चर को हम लोग रोक देंगे। दिल्ली के फरीदाबाद में आज़ाद नगर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक नोकझोंक के चलते एक युवक ने गुड़गांव ना नहर में छलांग लगा दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक की तलाश में जुट गई है। ये गुड़गांव कैनाल में जी सुबह तकरीबन 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि ये जो रेल वाला पुल है बल्लमगढ़ का, इससे कोई बंदा कूद गया है। तो हमने आके यहाँ पुलिस के साथ जानकारी जुटाई है, 19 साल का लड़का है और अपनी मर्जी से ही कूदा है इसमें, उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। गुड़गांव कनाल नहर सेक्टर 24 के हमारे एरिया में मुझे में एक लड़का है, 18 से 19 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, आज़ाद नगर झुग्गी का रहने वाला है, विनोद उसका नाम है। वो नहर में कूद गया है सुबह 8 बजे के तकरीब, अब उसको ढूंढने की रहे हैं सारी टीम मिल के तलाश जा रही है। खबर वाराणसी से, जहां आपके राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह ने पूर्व सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने बताया कि देश में आज बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की मांगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार का घेराव किया, वहीं आज भारत भुखमरी के मामले में 101वें स्थान पर है। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों जैसे सरकारी कंपनियों को बेचना, बिजली समस्या, वाराणसी को क्वेटो बनाने को कहा और BHU में मरीजों को इलाज के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरेगी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर अक्टूबर से आप पार्टी अयोध्या के सरयू के किनारे पदयात्रा निकालेगी। सोनभद्र में क्राइम ब्रांच और पुलिस को कड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस के 1.5 करोड़ की हीरोइन के साथ 5 महिलाओं समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक तस्कर फरार हो गया है, जिसकी जानकारी SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इसमें 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं, जो जनपद में और आसपास के जनपदों में मादक पदार्थ स्पेशली हीरोइन का अवैध धंधा करते हैं और सप्लाई देते हैं, नवयुवकों को भी ये लोग सप्लाई देते हैं, जिससे नई पीढ़ी भी बिगड़ती है, नशे की आदी होती है। इस तरीके के गैंग को पकड़ा है, इनके पास से 1 किलो से ऊपर हीरोइन पुलिस ने बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ रुपया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में एक पक्ष के दावे में 3 अक्टूबर दूसरे पक्ष के दावे में 26 सितंबर की तारीख मिली। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.87 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए कोर्ट में अब तक 12 दावे दायर किए जा चुके हैं। इस क्रम में हुई आज की सुनवाई में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान की ओर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई, जिसके बाद सुनवाई के लिए न्यायालय ने 26 सितंबर की तारीख तय की कर दी है। इसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई को 3 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया है। इसमें जो दावा अंतर्गत धारा 92 CPC जो आज लगा था सेक्शन 92 की आपत्ति है, तो उसमें आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सेवा संस्थान की तरफ से वकालतनामा दाखिल किया गया है। वो आए हैं, वो अपनी आपत्ति के लिए समय मांगा है उन्होंने, उसी के लिए 26 तारीख लगाई गई कि उनको अपनी आपत्ति जो देनी है वो 26 तारीख तक देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी, जो कि पिटीशन धारा 92 CPC के अंतर्गत जनपद न्यायाधीश के यहाँ प्रस्तुत किया गया था, आज उसकी सुनवाई इंचार्ज महोदय अतिरिक्त जिला जज सप्तम के यहाँ हुई। न्यायालय के समक्ष में यह प्रश्न आया कि जो मुख्य प्रार्थना पत्र है उसमें सभी पक्षकारों को पक्ष नहीं बनाया गया है, इसीलिए उनके द्वारा यह कहा गया है कि सबसे पहले प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जावे। न्यायालय के द्वारा दिनांक 26/9/2022 निर्धारित की गई है। खबर हरदोई से, जहां रेलवे ने अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक ने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मियों और महिला विंग के हार्दिक शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे के जवान व महिला विंग
विषम परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। बता दें कि यूपी स्काउट एवं गाइड वीरांगना स्काउट के प्लेटफॉर्म गंदगी ना फैले और रेलवे से क्रॉसिंग को सावधानी से पार करने के बारे में भी जागरूक किया। आज जो है 38वां आरपीएफ का स्थापना दिवस है, तो उसमें हमारी जो स्काउट गाइड की जो वीरांगना गाइड कंपनी है और आरपीएफ के स्टाफ ने मिलकर यहाँ पे एक रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों को जागरूक किया कि रेलवे फाटक जो है रेलवे पे गंदगी ना करें और रेलवे लाइन क्रॉस ना करें, पुल का प्रयोग करें जो निर्धारित जगह है, और रेलवे अगर फाटक लगा हुआ तो उसके नीचे से निकलने का प्रयास ना करें। हमारे इन वीरांगना गाइड कंपनी के जो गाइड्स हैं, इन्होंने लोगों को समझाया, वो जागरूक किया और इसी के लिए जो है इन्होंने यहाँ पर आरपीएफ के स्टाफ के साथ मिलकर रैली निकाली है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। खबर बिजनौर से, जहां पुलिस अधीक्षक ने चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चला शातिर चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए शातिर चोरों ने पिछली 5 चोरियों का भी खुलासा किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के सामान, अवैध असलहे बरामद किए। बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के न्यायालय के समक्ष पेश किया। चाँदपुर क्षेत्र में कई चोरियां हुई थी, जिसके अनावरण के लिए पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। इसी क्रम में जो है स्वाट सर्विलांस की टीम, चाँदपुर की टीम जो है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और उस टीम को आज सफलता मिली। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद, अजय सैनी, रामपाल, तो जिसमें से चाँदपुर कस्बे के रहने वाले हैं, एक अमरोहा का रहने वाला है। इसमें गुलजार पुत्र खुर्शीद एक शातिर जो है चोर है। इसके विरुद्ध कोतवाली शहर में पूर्व से ही करीब 6 मुकदमे हैं और गंगेश्वर की कार्रवाई हुई है और ये 25,000 रुपये का इनामी भी कोतवाली शहर से है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 17 तारीख के चलते सेवा पखवाड़ा में भाजपा सदर मंडल की तरफ से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की सदर मंडल अध्यक्ष विनीता गुप्ता, सदर मंडल युवा मोर्चा महामंत्री सचिन सैनी मौजूद रहे। आज यहाँ सफाई काफ़ी अधिक संख्या में लोगों ने सफाई की, सभी लोग जागरूकता है सफाई के प्रति, यही हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। सभी लोग मिलकर अगर इसी अभियान में साथ दें तो हमारा भारत बहुत स्वच्छ भारत कहलाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन था। जन्मदिन के तहत ऊपर से निर्देश प्राप्त हुए कि सेवा पखवाड़ा मनाया जाना है। इसके तहत 20 तारीख को पूरे देश में आज स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया है। इसके तहत हम लोगों ने गदियाना, मंदिर वाली गली और कम से कम 10-12 गलियों में सफाई अभियान चलाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 तारीख को जन्मदिवस था। 17 तारीख से प्रोग्राम लगे हैं, कभी सफाई अभियान, कभी कोई दूसरा प्रोग्राम, आज 20 तारीख को सफाई अभियान का प्रोग्राम लगा है। हम लोगों ने गदियाना में मंदिर वाली गली और अन्य कई गलियाँ में सफाई अभियान लगाया है। खबर गाजियाबाद से, जहां फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी लड़कियों की फोटो को एडिट कर उनकी अश्लील वीडियो बना उन्हें मोटी रकम वसूलने का आरोप लगा है। बता दें कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा की टीम के द्वारा आज एक अपराधी जिसका नाम निधीश चंद्रन, जो केरल का रहने वाला है, इसको पकड़ा गया है, जो फेसबुक के माध्यम से लड़कियों से दोस्ती करता था और उनसे धीरे धीरे उनके संपर्क में आता था, उनकी फिर अश्लील वीडियो बना करके उनके दोस्तों मित्रों में शेयर करने की धमकी दे करके उनसे फिर पैसे वसूल करता था। खबर लखनऊ से, जहां होटल 9 इन युवती की हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है। वहीं कमिश्नरेट पश्चिम जोन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लड़की के प्रेमी ने उसके साथ जबरन सारी संबंध बनाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाने के सरबाग में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी और इसमें सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए जो टीम गठित किया गया था, तो टीम में
जो अपने जांच पड़ताल और गहराई से विवेचना से जो जो एक जहां जिस कमरे में पाया गया था उस कमरे का जो बुकिंग किस किस के नाम पे हुई थी ये सब जांच पड़ताल होने के बाद एक युवक का नाम पता चला था जिसका नाम जो जिनको आज गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम सुशील कुमार जायसवाल है। ये जो हत्या से जो घटना से पूर्व एक दिन वहाँ रुका था और उसके बाद जो घटना कारित करने के बाद लखनऊ से भाग गया था। अथक प्रयास करके युवती का जो परिजनों से संपर्क किया गया और उनका पता कराया गया है और यह भी पता चला कि युवती अनुसूचित जाति से सदस्य है तो तुरंत समुचित धाराओं में तरमीम कर आज अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। खबर गाजियाबाद से, जहां महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की गांधी समाधि जाते समय यूपी गेट पर रोक लिया गया। बता दें कि नरसिंहानंद यूपी पुलिस के कानून व्यवस्था खराब हो की शिकायत आला अधिकारियों को की थी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते नरसिंहानंद ने गांधी समाधि पर एक दिवसीय उपवास पर बैठने की चेतावनी दी। वहीं पुलिस ने नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर कौशाम्बी थाने भेज दिया है। हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के जगह जगह गर्दन काटी जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद किया जा रहा है, मैं इसका जिम्मेदार गांधी को मानता हूं। तो मैं गांधी की समाधि पर रोने के लिए और अनशन करने के लिए जा रहा था, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, आज मेरे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हुआ है। कितने लोग सम्मिलित थे आपके साथ? नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला बिल्कुल। मेरे साथ मेरी सुरक्षा के लिए लोग थे, जो सुरक्षाकर्मी मेरे साथ रहते हैं वो थे, बाकी स्वामी जी को तो हमें कहीं छोड़ना था, बाकी मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेला जा रहा था। महाराजगंज में बीजेपी सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एक साथ मौजूद थे। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉलेज परिसर में मेगा लोन मेले में पहुंचे। वहीं इस मेले का उद्देश्य बैंकों को तत्काल किसान क्रेडिट कार्ड बनाना जाना था। साथ ही मेगा लोन मेला के माध्यम से दोनों मंत्रियों ने अपनी उपस्थिति बनाकर यह जाहिर किया कि सरकार और बैंक जनपद के सभी जरूरतमंदों के साथ हर संभव आर्थिक मदद के लिए खड़े हैं। खबर लखनऊ से, जहां सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से फल मंडी व सब्जी मंडी का संचालन किया जा रहा है। वहीं इस मंडी पर व्यापारियों व पुलिस की सह मंडी वालों ने धन उगाही भी की जाती है। बता दें कि यह मंडी अवध नगरिया से पारा थाने तक अवैध रूप से मंडी का संचालन किया जाता है। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। सुल्तानपुर के दुबेपुर विकास खंड में उच्च प्राथमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में विद्यालयों के विकास संबंधित 19 बिंदुओं के लक्ष्य को जल्द से पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इस मौके पर खंड विकास अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के अनुक्रम में आज ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं इस उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। जैसा कि हम आप जानते हैं, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निपुण जो कि 5 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई, जिसमें बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं अंकिक ज्ञान प्रदान कराया जाना है। निपुण द 5 लेटर्स ऑफ द वर्ड निपुण स्टैंड्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशियंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। वास्तव में बच्चों में यह दक्षता उपलब्ध करानी है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया मोर देन 10 लैक्स, आई थिंक दे आर नॉट टोटली एक्सपर्ट इन न्यूमरेसी एंड बुनियादी साक्षरता भी कैंस है। सो सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे बच्चे इसमें स्ट्रांग हों और हम वास्तव में नए भारत की नई जरूरत। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।